वो एक सुंदर सा अरण्य था। उस अरण्य में तरह तरह के पक्षी रहा करते थे। उस अरण्य में सबसे बड़ी एक मही चील थी। मही चील जो कहती वहाँ वही हुआ करता। हर कोई मही चील से बहुत डरता था, क्योंकि मही चील के सारे काम अनैतिक हुआ करते थे। वो अरण्य में पैदा होने वाले मादा पक्षियों को दूसरे देश भेज दिया करती। वो हर रविवार पक्षियों को ट्रेन में बिठाती और उन्हें दूसरे देश भेज दिया करती। उसके इतने अत्याचार करने पर भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे रोक पाते। एक दिन लूसी के बच्चों को जबरदस्ती लेकर जाने के लिए आई मही से लूसी ने कहा, माई मेरे बच्चों को वहाँ लेकर मत जाना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ माई, इन्हें बख्श दो। मही ने उसकी ओर पैसे बढ़ाते हुए कहा, इतने पैसे तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे। तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, इसलिए तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं। इतनी सुंदर बेटियां अगर पैदा करती रहोगी तो तुम खूब पैसे कमाओगी। मही चिल बच्चों को जबरदस्ती कर ले जाने लगी। माँ इनसे कहो ना हमें नहीं ले जाए, माँ रुको ना। यूं दोनों माँ की ओर देखकर रोने लगे, पर मही ने उन्हें माँ से छीना और वहाँ से लेकर चली गई। माँ कुछ न कर पाई, निसहाय होकर यूं ही खड़ी रही। ठीक उसी समय छोटू तोता रोते हुए लूसी के पास आई। भाभी वो मही चिल मेरे बच्चों को ले गई, ना जाने इस तरह कितनों के बच्चों को ले जाएगी। उसकी भी तो दो बेटियां हैं ना, उसे जरूर हम सब की हाय लगेगी। लूसी ने अपने आंसू पोंछकर धीरज देते हुए उसे कहा, देखना हमारी जिंदगी में भी अच्छे दिन लौट आएंगे, भगवान जरूर हम सबको इस मुश्किल घड़ी से उभारेगा। यूं ही दिन बीतने लगे। मही चिल चीचू कवा के बच्चों को भी ले जाने लगी। ट्रेन के पटरियों पर खड़ी चीचू कवा ने उसे कहा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चों को लौटा दो मेरे बच्चों को। इतने में ट्रेन तेजी से आई और उसके ऊपर से चली गई। अपनी दोस्त की मौत की खबर सुनकर लूसी और छोटू तोता वहाँ पर आए। हे भगवान ये क्या हो गया, एक माँ ने अपने बच्चों के लिए अपनी जान दे दी, ये कैसा न्याय है भगवान। यूं वो दोनों अपनी सहेली के लिए रोने लगे। तुम देखना लूसी, उसका किया हुआ ये पाप खाली नहीं जाएगा, एक न एक दिन किए की सजा उसे मिलेगी ही मिलेगी। यूं वे दोनों उसे श्राप देने लगे। अंतिम संस्कार की विधि पूरी की गई। कुछ दिन यूं ही बीते। जैसे उन्होंने सोचा था सच में उनके अच्छे दिन आ रहे थे। वो ऐसे कि उस अरण्य में टोनी नाम की एक गौरैया रहने आई थी। वो बहुत ही साहसी थी। टोनी ने वहाँ की सभी पक्षियों से कहा कि उनकी समस्या दूर करने के लिए ही वो यहाँ पर आई है। अगर सच में जैसे आपने कहा वैसे हो गया तो बहुत अच्छा होगा, पर कोई भी उसके सामने जाता है तो जिंदा वापस नहीं लौटता। इस पर टोनी ने उन सबसे कहा, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मुझे जो करना है मैंने वो सोच लिया है। टोनी ने उन्हें धीरज दिया। दो दिन के बाद मही के बच्चे उसके घोंसले से गायब हुए। बच्चे मेरे बच्चे कहाँ है? यूं सारे अरण्य में वो ढूंढने निकली। हार कर घर लौटी मही के पास टोनी आई। क्या हुआ तुम अपने बच्चों को ढूंढ रही हो? अब तुम अपने बच्चों को भूल जाओ, वो कभी नहीं लौटेंगे। जैसे तुम सभी की बेटियों को ट्रेन चढ़ाकर भेज देती हो ना, वैसे आज तुम्हारी बेटियों को भी मैंने भेज दिया है। ये तुमने क्या कर दिया? सोने जैसे मेरे बच्चों को उस नरक में भेज दिया? मेरे बच्चों को वहाँ भेजने वाली तुम कौन होती हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? यूं रोते हुए मही टोनी को लेकर ट्रेन की पटरियों पर गई। वहाँ पर उसे बांधकर खूब मारने लगी। ये सब होते हुए दूर से देख रहे लूसी छोटू और चीचू ने कहा, अरे देखो तो क्या हो रहा है। यूं वहीं पर खड़े खड़े सभी देखने लगे। लूसी को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। यहाँ खड़े खड़े तुम सभी क्या तमाशा देख रहे हो? टोनी अपने लिए यहाँ आई है, हमारे बच्चों को बचाने के लिए, उसे बचाना हमारा कर्तव्य है। यूं लूसी उन सब से कहने लगी, पर हर कोई चुप खड़ा था। तुम सब में हिम्मत ही नहीं है। उन सब को डांट कर लूसी टोनी को बचाने मही के पास गई। रुक जाओ, उसने जो भी किया इसमें उसकी कोई गलती नहीं, तुम भी तो हमारे बच्चे ले जाती हो ना, हमें भी तब इतनी ही तकलीफ हुई थी, अब तुम्हें वो तकलीफ समझ में आ रही है ना? लूसी की बातों का मही को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने छड़ी से लूसी को भी मार मार कर वहाँ से दूर फेंक दिया। लूसी भी निस्सहाय होकर दूर पड़ी रही और वो बहुत दुखी हो रही थी। इतने में ट्रेन के आने की आवाज आई।
कोई इस ट्रेन को रोक लो, बचा लो टोनी को। इतने में छोटू तोता और चीचू कौवा लाल झंडी पकड़कर उस ट्रेन को रोकने आए। सही समय पर ट्रेन रुक गई। ट्रेन के रुकते ही उन दोनों ने टोनी की रस्सियां खोल दी और उसे मुक्त कर दिया। आज तुम सब में बहुत हिम्मत आ गई है। उन सभी पक्षियों ने एकजुट होकर उसका सामना किया। टोनी ने सबको रोका। बच्चों को सुरक्षित देखकर माँ की आंखें चमक उठी। तुम सब ने मुझसे झूठ कहा, मैं कितना घबरा गई थी। यो खुश होकर चील कुछ देर के लिए जो हुआ उसे भूल गई। देखा, कुछ देर के लिए तुम्हारे बच्चे आंखों से ओझल हो गए तो तुम कितनी दिल मिला गई। तो इन माओं की भी तो हालत सोचो। जितने प्यारे तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे होंगे, उतने ही प्यारे इनके लिए इनके बच्चे होंगे ना। एक बार खुद को उनकी जगह रख कर सोचो। यही बात वहाँ खड़ी सभी माओं ने बार बार पूछा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे बच्चों को वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी। आइंदा इस अरण्य में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। कुछ ही दिनों में माही ने जैसा कहा था उन सभी के बच्चों को वापस लाकर उन्हें दे दिया। अपने बच्चों को सही सलामत वापस पाकर माएँ बहुत खुश हुई। इस बदलाव के पीछे कारण बनी टोनी का हर कोई जय जयकार करने लगा। टोनी गौरैया की जय, टोनी गौरैया की जय। इस तरह उस अरण्य में चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी। जंगल के रहने वाली सभी पक्षियाँ चीचू कौवा, लूसी कबूतर, छोटू तोता और टोनी गौरैया एक दूसरे से मिलने आए। और कितने दिनों तक यूँ रोते रहेंगे? हम सबको एकजुट होकर उस चील से बदला लेना होगा, और अगर नहीं तो इसी तरह अपने बच्चों की बलि चढ़ती रहेगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। बच्चे के जन्म लेने के बाद उससे खुद के लिए माँ कहलवाने की खुशी, चील ने आकर मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। उसका अंत होना बहुत जरूरी है। छोटू तोता और चीचू कौवे ने भी कहा। हाँ, मार डालेंगे, सही कह रहे हो। ऐसे उन्होंने तय कर लिया। इतने में मही चील वहाँ पर आई और रोते हुए बोली, दोस्तों क्या सच में तुम सब मेरे पति को मार देना चाहते हो? क्या ये सही होगा? अपने दोस्त के लिए तुम्हें थोड़ी भी दया नहीं? देखो दोस्त, इतने दिनों तक तुम्हारा चेहरा देखकर ही हम चुप रहे, पर हर रोज तुम्हारे पति का हमारे पास आना और हमारे बच्चों को हमसे ही छीनकर हमारे सामने मारकर खा जाना, कब तक बर्दाश्त होगा हमें? नहीं, वो बिल्कुल चुप नहीं रहती। बलि उसके बच्चों की नहीं चढ़ी ना, इसलिए वो इस दर्द को नहीं समझ पाएगी। दोस्तों, क्या तुम सबने मेरी दोस्ती को इतना ही समझा है? मैंने तुम्हारे बच्चों को सदा अपने बच्चे माना। तुम सब भी ये अच्छे से जानते हो कि जब से मैंने तुमसे दोस्ती की है, मैंने मांसाहार भी छोड़ दिया। ऐसी कठोर बातों से मेरा दिल दुखा रहे हो। तुम सच कह रही हो या नहीं हमें क्या पता। जब तुम्हारे पति हमारे बच्चों को हमसे छीन ले जाते हैं तो क्या तुम उनके साथ बैठकर उन्हें नहीं खाती? दोस्तों, किसी भी रिश्ते में अगर विश्वास नाम की चीज न हो तो वो रिश्ता बेकार है। अगर मेरी दोस्ती पर तुम में से किसी को भरोसा नहीं तो इस रिश्ते के रहने का कोई मतलब नहीं। अब मैं चलती हूँ। जाते जाते एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने कभी भी तुमसे कोई झूठ नहीं कहा। और हाँ, मेरे पति को मुझसे जुदा मत करना, उनके बिना मेरी जिंदगी कुछ नहीं। लूसी कबूतर ने अपने दोस्तों से कहा। दोस्तों, यही सच है कि माँ ही बहुत अच्छी है। बिना वजह कठोर बातें कहकर उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए था। बेचारी मही। मुझे भी लगता है मही बहुत अच्छी है। जब से उसने हमसे दोस्ती की है उसके जिंदगी में बहुत बदलाव आए हैं, और अपने अच्छे बुरे जैसे भी हालात थे उसने कभी अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी। अभी बदले में उसे हमें दोस्ती का उपहार देना चाहिए। हमें उसके पति को मारना नहीं बल्कि बदलना चाहिए। वो चील एक कसाई वृत्ति रखने वाला है। हमारे कितने भी कोशिश के बाद मुझे नहीं लगता वो बदलेगा भी। अब इसके लिए क्या करना है? बहुत देर सोचने के बाद चीचू कौवा ने कहा। दोस्तों, तो हम सब एक काम करते हैं, क्यों ना हम उसे बंदी बना कर रख दे, और जब भी उसे भूख लगेगी हम उसे वही देंगे जो हम खाते हैं। इसी तरह उसकी आदत बदल देंगे, उसके बाद क्या करना है आगे सोचेंगे। यूं ही दिन बीते। जब मही घर पर नहीं थी तब सभी ने मिलकर चील को पकड़ा और उसे बाहर ले आए। एक पेड़ के साथ रस्सी से बांधकर उसे बंदी बना दिया। वो चिल्लाए जा रहा था, मुझे बंदी बनाकर क्यों रखा है यहाँ पर? छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। यूं चीखने लगा। ज्यादा आवाज की तो चाकू भोंक कर तुझे मार डालूंगी। अपना मुंह बंद कर चुपचाप खड़े रहो, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। उसकी धमकी सुन चील बहुत भड़क गया।
आंखें फाड़कर क्या देख रहे हो हम सबको? अगर ज्यादा चिल्लाने की कोशिश की तो चारों के चारों छुरी तेरे पेट में घोंप देंगे। यूं चारों ओर से घेर कर उसे धमकी देने लगे। दूसरी ओर चील अपने पति की राह देख रही थी। दिन ढल जाने के बाद भी जब उसका पति घर वापस नहीं लौटता वो घबरा जाती है। हो न हो, मेरे सहेलियों ने मेरे पति को मार डाला होगा। जब पहली बार इन सब से दोस्ती हुई थी तो मैं बहुत खुश थी, पर आज मुझे घृणा है इन सब पर। वो अपनी सहेलियों के पास जाकर बोली, दोस्तों मेरे पति को मार कर शांति मिल ही गई होगी तुम्हें। अब तुम सब अपने परिवार और बच्चों के साथ खुशी से रहना। तुम्हारे पति को कुछ नहीं हुआ, वो सुरक्षित है। हमने ही उसे अपने पास रखा है, बस उसमें बदलाव लाने के लिए हमने ऐसा किया है। इस तरह चीचू कौवा ने उसे सारी बात बताई। दोस्तों मुझे माफ कर दो, सच्चाई जाने बगैर ना जाने मैंने क्या क्या कह दिया। मुझे माफ कर दो, मेरे पति का ख्याल रखना। ये कहकर माही चील वहाँ से वापस लौटी। कुछ दिन बीत गए। उस बाज को बहुत भूख लग रही थी। टोनी ने अपने घर में बनाया हुआ खाना बाज को खाने के लिए दे सकते हैं, ये सोचकर उसने अपने बच्चे के साथ उसके लिए खाना भेजा। माँ ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है, ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, आप इसे खाकर देखो। मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं एक एक को चुनकर मारकर खा लूंगा, मुझसे कोई नहीं बच पाएगा। यूं गुस्से से जोर से चिल्लाने लगा। नन्हा सा गौरैया बिल्कुल घबराया नहीं। ठीक है, जितना चिल्ला चुके काफी है, अभी मैं अपने हाथों से आपको खिलाऊंगा। जबरदस्ती उस नन्हे से गौरैया ने उसे खाना खिलाया। वो मन ही मन कहने लगा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, हमेशा मांस खा कर आज ये नई चीज खाना बहुत अच्छा लग रहा है। आप भूखे रह जाते तो मर जाते, इसलिए मैंने जबरदस्ती आपको खाना खिलाया। आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। उस गौरैया की बातें बाज को बहुत प्यारी लगी। इस तरह हर दिन कोई न कोई आकर उसे खाना खिलाया करता। कभी टोनी का बच्चा, कभी चीचू का, तो कभी लूसी का बच्चा आकर उसे खाना खिलाता, उसे आहार देते और मीठी मीठी बातें किया करते। बाज भी उनके प्यार का आदी हो चुका था। एक दिन सभी मादा पंछियां जब बाहर चली गई थी तब बच्चों ने उसके बांध खोल दिए। अच्छा तो इन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ा है, अब मैं इन्हें खा लूंगा तब इनके होश ठिकाने आएंगे। लेकिन बच्चों ने उससे कहा, क्या हम सब साथ में मिलकर खेलें? हम आपके लिए और भी स्वादिष्ट खाना लेकर आया करेंगे। आप मुझे बहुत भा गए, हमें आपके साथ खेलने का बहुत मन हो रहा था, इसलिए हमने आपके बांध खोल दिए। फिर से उन पंछियों ने प्यारी प्यारी बातें की। जिन पंछियों ने उसका इतने दिनों तक प्यार से ख्याल रखा उन्हें खाने के लिए उसका मन नहीं मान रहा था। वो उन्हें कहानियाँ सुनाने लग गया, उनसे बहुत देर तक खेलता रहा। अब तक निसंतान रहे उस बाज को बच्चे अपने जैसे लगने लगे थे। उन्हें वो अपने साथ अपने घर ले गया। कुछ समय बाद माए वहाँ पर पहुँची तो देखा वहाँ पर न बाज था न बच्चे। ओ कसाई वृत्ति वाला, मैंने कहा था ना कभी नहीं बदलेगा, अपने बच्चों को खा गया वो। यूं रोते हुए वे मही के पास चले गए, पर वहाँ जाकर देखा कि वे दोनों बच्चों के साथ खूब खेल रहे थे। ये देखकर वे सब चौंक गए। मही ने उनसे सब कुछ कह दिया। इस पूरे संसार में प्रेम के सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं। मेरे अंदर की बदले की भावना और द्वेष को तुमने इन बच्चों के प्यार से मिटा दिया। जब तक मेरी खुद की संतान नहीं होती मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे मेरे पास रहे। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो कम से कम हर रोज इन बच्चों को मेरे पास लाया करना। बदले हुए बाज को देखकर सभी बहुत खुश हो गए। बाज में इस बदलाव को लाने के लिए ही उन सब ने ये नाटक किया, ये उन सब ने बाज को बता दिया। पर उसके लिए बच्चों का प्यार असली था ये बात बताने पर बाज बहुत खुश हुआ। उस दिन के बाद बाज ने कभी किसी का शिकार नहीं किया।